हेलो दोस्तों, एवलिन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सच में कोइंसिडेंसेस हैं या फिर साजिश से रचे हुए नाटक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एन अनलक्की मैन, जोसेफ फिगलॉक। ये बात है 1937 की, जब स्टेट ऑफ मिशिगन की डिट्रॉइट सिटी में एक बिल्डिंग की बालकोनी में एक माँ अपने बच्चे को गोदी में खिला रही थी। तभी वो बच्चा माँ के हाथों से छूटकर नीचे गिर गया और नीचे खड़ा था जोसेफ फिगलॉक। बच्चा काफ़ी लकी था, पर जोसेफ अनलकी कि वो बच्चा उन पर आकर गिरा। ठीक एक साल बाद यानी 1938 में फिर से उसी सिटी में एक बच्चा बालकोनी में खेल रहा था और वो नीचे गिर गया। नीचे जिस पर गिरा वो इंसान था, जोसेफ फिगलॉक। गूगल पर जोसेफ फिगलॉक, बेबी मैग्नेट, अनलकी मैन जिसे कई नामों से फेमस है, उसी तरह उनसे जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक इत्तेफाक था या सच में जोसेफ एक बेबी मैग्नेट है? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। द अनसिंकेबल मैन, ह्यूग विलियम्स। दोस्तों, ह्यूग विलियम्स जो इंटरनेट पर फेमस हैं अनसिंकेबल के नाम से, ऐसे हुक का नाम क्यों पड़ा आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति के साथ इतने हादसे हुए और सब हादसों में इसके साथ रहने वाले सारे लोग मारे गए इसे छोड़कर। दोस्तों, सन 1664 में मिनाई स्ट्रेट की लहरों में आकर एक शिप डूब गया और सारे लोग उसमें मारे गए। सिर्फ एक इंसान बचा, उसका नाम था हुक विलियम्स। कोइंसिडेंसेस अब स्टार्ट हुए जब 1785 में फिर से ह्यूग विलियम्स शिप में थे और फिर से उनकी शिप डूब गई, पर इस बार 60 लोग उस शिप में थे और उसमें से सिर्फ एक इंसान बचा जिसका नाम था ह्यूग विलियम्स। फिर से 1820 में ह्यूग विलियम्स शिप में थे और मेनाई स्ट्रीट में आकर 25 लोग मर गए और सिर्फ एक व्यक्ति बचा जिसका नाम था ह्यूग विलियम्स। ह्यूग विलियम्स इस नाम में ही कुछ खास है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1920 में जर्मन माइनर से एक शिप टकराई जिसमें सिर्फ दो लोग सरवाइव हुए और दोनों का नाम कोइंसिडेंटली ह्यूग विलियम्स था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द लौटेंगे इसके नए पार्ट के साथ।